नमस्कार दोस्तों, करुणा धाम महालक्ष्मी मंदिर। जैसा कि आप देख सकते हैं तो आज मैं आपको टूर कराने वाला हूं करुणा धाम महालक्ष्मी मंदिर का, जो भोपाल के नेहरू नगर में स्थित है। एक बहुत बड़ी मंदिर है, तो हम यहां से एंटर करते हैं मेन गेट से। जैसे ही तो सबसे पहले यहां जो हाथी हैं उनका बना हुआ है बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर दिखता है। जैसे ही लेफ्ट से रास्ता गया है, हम जैसे अंदर चलते जाते हैं तो यहाँ पे जूता चप्पल वगैरह रखने का सब जुगाड़ है, और अंदर ग्राउंड में जूता रखते हैं। यहाँ से जूता वगैरह रखने के बाद लोग अंदर जैसे प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले ये देख सकते हैं जो मंदिर है, पूरा ऊपर का व्यू है। और नीचे सबसे पहले तो नीचे जैसे ही एंटर करते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले हनुमान जी का प्रतिमा मूर्ति बनी हुई है, जो कि मूर्ति शायद पीतल की मूर्ति है। वो पूरा वहाँ अंदर वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, तो हम अंदर गए लेकिन बाहर से वीडियो बनाया। फिर बगल से रास्ता गया था वहाँ पे, फिर अंदर जैसे ही जाते हैं यहाँ से होते हुए बहुत ही अच्छा है। रात का समय करीब 10 बज रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है, यहाँ बहुत लोग आते हैं। तो हम जैसे ही यहाँ से अंदर चलते जाते हैं तो गणेश जी की प्रतिमा है, फिर महालक्ष्मी की है, मतलब यहाँ बहुत सारे देवी देवताओं की मूर्ति बनी हुई है। और इस मंदिर की सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी सुंदर मंदिर है, यह आने के बाद इतना शांति मिलता है कि बता नहीं सकता आपको मैं। अगर आप भोपाल रहते हो तो एक बार करुणा धाम मंदिर, जो नेहरू नगर में स्थित है, एक बार ज़रूर विजिट करें। आपको यहाँ आने के बाद आनंद की अनुभूति होगी, जो ना आप जो शांति मिलेगी आपको यहाँ आने पर, आप खुद महसूस करके देख लीजिएगा कभी। हम लोग करीबन भीगते हुए आए थे यहाँ पे, करीबन 8 बज रहा था यहाँ रात। यहाँ प्रसाद वितरण भी होता है, मुफ्त में प्रसाद वितरण कराते हैं कुछ। यहाँ से NGO भी चलाया जाता है, ये बहुत सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे, बुज़ुर्गों के लिए रहने की व्यवस्था है यहाँ पे। तो अभी मंदिर कंस्ट्रक्शन का काम कुछ कुछ चल रहा है, लेकिन आप पीछे देख सकते हो बहुत बड़ी मंदिर है वहाँ। ठीक, तो अभी तो पानी बरस रहा था तो हम लोग छा रहे थे अंदर। यहाँ से दूसरा रास्ता गया है जो बाहर निकलते हैं, यहाँ भी एक मंदिर है। यहाँ जो मंदिर है जहाँ मूर्ति रखी हुई है वहाँ पे वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, तो जिसकी वजह से हम लोग वीडियो नहीं बना पाए, लेकिन बाहर बार का जो पूरा दृश्य है मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो पानी बरस रहा था, और यहाँ पे जहाँ त्रिवेदी जी हैं उनके ओर से यहाँ पे प्रसाद वितरण कराया जाता है, और यहाँ पे शिक्षा भी दी जाती है, गुरुकुल भी है यहाँ पे, तो करुणा धाम आश्रम भी है यहाँ पे।